नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ एक नया सा वीडियो टॉपिक लेके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे रियलमी 6 के साथ रेडमी नोट 9 प्रो। हाँ दोस्तों, क्योंकि ये दोनों फोन हाल ही में लॉन्च हुआ है और दोनों फोन का प्राइस सेम है, 12,999 रुपीज। मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ दोस्तों, मेरे पास दोनों फोन अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को कंपेयर करके बताऊंगा कि दोनों फोन में कौन सा फोन बेस्ट है और कौन सा फोन में एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिया गया है। और आप लोगों के पास एक विनती है दोस्तों कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रियलमी 6 एंड रेडमी नोट 9 प्रो का डिस्प्ले के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों का डिस्प्ले दोस्तों सेम है। इसका है दोस्तों 6.6 इंची और रेडमी नोट 9 प्रो का है दोस्तों 6.7 इंची। रियलमी 6 का दोस्तों स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1080x2400 एंड इसका भी दोस्तों सेम रेजोल्यूशन है। दोस्तों, रियलमी 6 का और रेडमी नोट 9 प्रो का प्रोसेसर की बारे में अगर हम बात करते हैं तो रियलमी 6 में आता है मीडियाटेक हेलियो G90T ऑक्टाकोर प्रोसेसर और रेडमी नोट 9 प्रो में आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720 ऑक्टाकोर प्रोसेसर। तो दोनों प्रोसेसर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो मीडियाटेक हेलियो जो G90 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, ये दोस्तों इस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन से थोड़ा अच्छा है, ठीक है। बाकी दोस्तों दोनों ही सेम है। इस दोनों फोन का रैम एंड इंटरनल स्टोरेज की अगर हम बात करते हो तो इस फोन में दोस्तों मिलेगा 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी और 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी। और इस फोन में दोस्तों सेम मिलेगा 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी और 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी। तो दोस्तों, इस दोनों फोन का अगर हम कैमरे की अगर बात करते हैं तो दोनों फोन में ही क्वाडकॉम कैमरा आता है जो कि होगा 4 कैमरा, ठीक है। लेकिन रियलमी 6 में दोस्तों आपको जो प्राइमरी कैमरा मिल रहा है वह है दोस्तों 64 मेगापिक्सल का, ठीक है, और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल 2 माइक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। और रेडमी नोट 9 प्रो का जो प्राइमरी कैमरा है वो है दोस्तों 48 मेगापिक्सल का और इसमें 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है। और इसमें जो माइक्रो कैमरा है वो है दोस्तों 5 मेगापिक्सल का, यहाँ पे मिल रहा है 2 मेगापिक्सल लेकिन यहाँ पे मिल रहा है 5 मेगापिक्सल। और इसका जो डेप्थ सेंसर है वो है दोस्तों 2 मेगापिक्सल का, ठीक है। तो ये था दोनों फोन का कैमरा कंपैरिजन। और इसके साथ दोस्तों इस दोनों फोन का बैटरी के बारे में अगर हम देखें तो रियलमी 6 में दोस्तों मिल रहा है आपको 4300mAh का बैटरी और रेडमी नोट 9 प्रो में मिल रहा है दोस्तों 5020mAh का बैटरी। तो इसका बैटरी सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रियलमी 6 में मिल रहा है आपको 30W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, लेकिन रेडमी नोट 9 प्रो में मिल रहा है दोस्तों 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। दोनों ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है लेकिन यहाँ पे 30 और यहाँ पे 18। इस दोनों फोन का फीचर्स को अगर आप घुमा फिरा के देखते हो तो दोनों फोन का फीचर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, लगभग सेम टू सेम है। लेकिन रियलमी 6 में दोस्तों एक एक्स्ट्रा फीचर्स है, वो है दोस्तों 90Hz का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले रियलमी 6 में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत ही स्मूथली दोस्तों रियलमी 6 का जो डिस्प्ले होगा वो बहुत ही स्मूथली आप काम कर सकते हो इस फोन में। ये फीचर्स दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो में नहीं है, ठीक है। और लगभग जितने भी फीचर्स है सभी सेम टू सेम है। प्राइस दोनों का सेम है 12,999 रुपीज। यहाँ पे बात आती है कि दोनों फोन में आप कौन सा फोन खरीदे। अगर मेरे को इस बजट में फोन खरीदना होता है, इस दोनों फोन मेरे पास होता, अगर मुझे एक फोन चॉइस करना होता तो दोस्तों मैं रियलमी 6 चॉइस करता। हाँ दोस्तों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फीचर्स जो है रियलमी 6 में ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा बिजी मैन हो, आपको मोबाइल चार्ज करने का टाइम नहीं मिलता है, तो यहाँ पे दोस्तों आप रेडमी नोट 9 प्रो ले सकते हो, क्योंकि रेडमी नोट 9 प्रो में बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। यही था इस दोनों फोन का कंपैरिजन। आई थिंक ये वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना। उसके साथ वीडियो को समझने में कहीं भी दिक्कत आती है या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में रहता है तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और उसके साथ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।